Saurabh is a completely composed person, very hard-working people in the team. बहुत committed है shooting की तरफ से and effort बहुत है, मेहनत करता है. Extremely focused and I see great things happening for him in the future. बारह मई 2002 को मेरठ के गांव कलीना में एक किसान परिवार में पैदा होने वाले नन्हे से सौरभ को देखकर कोई अंदाजा भी कैसे लगा सकता था कि बड़ा होकर यही लड़का पिस्टल शूटिंग की दुनिया में भारत के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत करेगा. जी, हमारे गांव के पास में गांव है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है, वहाँ पे हमारे गांव से बच्चे जाते थे तो उनको देख के कि ये शूटिंग करने जाते हैं कि चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार चल के कि कैसा है. तो वहाँ पे जाके देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा तो वहीं से स्टार्ट हुए. शूटिंग के बारे में उसने बहुत जिद करी. उसके पापा बहुत मना करते थे, इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, ऐसा नहीं. वो कहता मैं पढ़ाई भी करूँगा पापा, मैं शूटिंग भी करूँगा. मैं सौरभ को पहली बार बिनोली राइफल क्लब पर लेके गया था, VSR क्लब पे, तब उसका एडमिशन के लिए. तो कोच सर मिले थे, उन्होंने सौरभ को प्रैक्टिस के लिए बोला. बिनौली के कोच अमित शौरान और उनकी शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के तरीके दोनों निराले थे. तो मैं क्या करता हूँ, ईंट से कराता हूँ. ईंट उसके हाथ पर लटका दिया, इस अगले हिस्से को पूरे को रिलैक्स, सारा का सारा नर्व सिस्टम यहीं से है. इस हिस्से को बड़ा संभाल के रखना होता है पिस्टल शूटिंग के लिए. जब मेरे पास सौरभ आया उस समय मेरे पास टीन शेड के नीचे मेरी रेंज थी. उस समय ये इस तरह की सीलिंग लाइट वाइट कुछ नहीं थी. तो गर्मी के दिनों में जब पूरी वो टीन शेड 10-11 बजे यहाँ टेम्परेचर होता है 40, 42, 43, उस समय पूरा गर्म हो जाता था. लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता था 12-1 बजे तक. मैं उसको बोलता चल जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया, लेकिन वो बोलता था बस थोड़ा सा और गुरुजी, थोड़ा सा और कर लूँ उसके बाद मैं चलूँगा. तो वो थोड़ा सा जो और था ना, वो थोड़ा सा आज उसको वहाँ लेके गया. यही वो वक्त था जब सौरभ के कोच ने उनके परिवार से सौरभ के लिए एक पर्सनल पिस्टल खरीदने की बात की. बात जितनी आसान थी, पिस्टल खरीद पाना उतना ही मुश्किल. पिस्टल 2.25 लाख रुपए की आई है और हमें कर्ज लेकर वो पिस्टल उसको दिला दी. और पिस्टल दिलाने के बाद में उसने अपने जहाँ भी वो गया, जिसमें गया मैं उसका मेडल अच्छा पड़ा. सौरभ ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर 2016 के ISSF जूनियर वर्ल्ड कप से शुरू किया और उसी वर्ष तेहरान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता. फिर 2018 में अपनी काबिलियत साबित करते हुए सौरभ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले यंगेस्ट इंडियन शूटर भी बने. उसी साल एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन, टीम कंपटीशन और मिक्स्ड टीम 10 मीटर पिस्टल के तीनों गोल्ड्स के साथ यूथ ओलंपिक गेम्स में डंके की चोट पर स्वर्ण पदक भी जीता. 2019 में 2 इंडिविजुअल वर्ल्ड कप गोल्ड जीतने के साथ साथ सौरभ ने मिक्स्ड इवेंट्स में 4 ISSF वर्ल्ड कप भी अपने नाम किए और साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी भी पक्की कर ली. He is not just satisfied कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर हो गया and that is enough. He comes back, he says okay these were the problems, how can we sort it out. He has that desire to improve. भारतीय खेल प्राधिकरण और टॉप्स के अथक सहयोग के साथ आज सौरभ अपना सारा वक्त टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी में ही लगा रहे हैं. जो मुझे सिखाया गया है मेरे गुरु ने, मेरे कोच ने, बस उसी का मुझे बेस्ट देना है. अपनी इसी सादगी और सटीक निशाने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अब टोक्यो की तरफ अपनी नजरें जमाए 60 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले सौरभ कुमार हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा.